टारगेट सैल्यूट गाइस, आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 8 करने जा रहे हैं, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आपकी इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस चैप्टर को चार ब्रॉड ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, वेदर, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पिछले चैप्टर्स में हमने इंडिया के बारे में काफी सारी डिटेल्स कवर करी थी और इस बार एकदम सिंपल तरीके से बिना किसी कंफ्यूजन के ये पूरा चैप्टर आपको हम समझा देंगे, वी प्रॉमिस। तो एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेदर से। वेदर क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर में डे टू डे चेंजेस होते हैं उसको कहा जाता है वेदर, ठीक है। सो द डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर कम अंडर वेदर। और ये क्या क्या इंक्लूड करता है? टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन, ये सारी जो चीजें हैं ये वेदर के अंडर में आती हैं। जो हम कहते हैं ना, कल ठंडा था, आज थोड़ा गर्म है, या आज धूप ज्यादा निकली है, कल कम निकली थी, इस टाइप की जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं ये हम वेदर की बात कर रहे होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, वेदर जो हो सकता है वो हॉट, कोल्ड, सनी, क्लाउडी, विंडी, काम, कुछ भी हो सकता है। ये सारे वर्ड्स हम वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। तो वेदर हमने समझ लिया। एक और इससे रिलेटेड वर्ड होता है सीजन्स, उसको समझते हैं अब। जब सेम तरह का वेदर काफी दिनों तक चले तो हम उसको कहते हैं सीजन। ब्रॉडली इंडिया में चार तरह के सीजन रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम कहते हैं विंटर, हॉट वेदर सीजन मतलब समर, साउथ वेस्ट मानसून सीजन जिसको हम कहते हैं रेनी सीजन, और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटम। तो दिसंबर टू फरवरी होता है विंटर, मार्च टू मई होता है समर, जून टू सितंबर होता है रेनी सीजन, और अक्टूबर और नवंबर में होता है ऑटम सीजन। ये इंडिया की चार मेजर सीजन्स हैं। जब सेम वेदर कंडीशंस काफी दिनों तक कंटिन्यू हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? सीजन। इन सारी सीजन्स को हम फटाफट इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले विंटर सीजन। इसमें क्या होता है, सन की रेज डायरेक्टली किसी रीजन पे नहीं फॉल करती है। अगर स्लांटिंग रेज गिर रही हैं तो वो ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर रही है। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर सन की रेज एकदम छोटे से एरिया में गिरेंगी, कॉन्सेंट्रेटेड होंगी, तो वहां ज्यादा गर्मी करेंगी। लेकिन अगर वो एक बड़े एरिया में गिरेंगी स्लांट होने के बाद, तो क्योंकि उनकी उतनी ही हीट एक बड़े एरिया में फैल गई तो वो ज्यादा गर्मी नहीं क्रिएट कर पाएंगी, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो विंटर सीजन में क्या होता है, सन की रेज डायरेक्टली नहीं फॉल करती है, स्लांटिंग वे में फॉल करती है इंडिया पे। और इसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली टेम्परेचर्स काफी कम हो जाते हैं। और कम टेम्परेचर का मतलब ठंडा। इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, कम टेम्परेचर का मतलब होता है ठंडा और ज्यादा टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर का मतलब होता है गर्मी, ठीक है। तो विंटर सीजन में बिकॉज द सन्स रेज आर स्लांटिंग, दे डोंट फॉल डायरेक्टली ऑन इंडिया, इसलिए टेम्परेचर्स कम होते हैं और ठंड होती है, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में। समर सीजन में इसका ठीक उल्टा होता है। ज्यादातर जो सन की रेज है वो डायरेक्टली इंडिया पे गिरती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा गर्मी क्रिएट करती है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई पहुंच जाता है, और इतनी गर्मी हो जाती है कि दिन के टाइम पे काफी बार बहुत ही ड्राई और हॉट विंड्स भी ब्लो करने लगती हैं, जिनको हम कहते हैं लू, LOO। ये नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली बहुत ज्यादा कॉमन है। फिर आते हैं रेनी सीजन पे। ये सीजन तब शुरू होता है जब मॉनसून जो है वो इंडिया में आ जाता है और स्टार्ट हो जाता है, बढ़ने लगता है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से विंड्स आती हैं इंडियन लैंड के ऊपर। ये विंड्स अपने अंदर मॉइस्चर कैरी कर रही होती है। सो सी के ऊपर से, चाहे वो अरेबियन सी हो या वो बे ऑफ बंगाल, इन सी के ऊपर से जो भी विंड्स आ रही हैं इंडियन मेनलैंड के ऊपर, वो काफी हैवी होती हैं। उनके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है, पानी होता है, वो अपने साथ ये वाटर, ये मॉइस्चर कैरी कर रही होती हैं। और जब वो किसी भी बैरियर को हिट करती हैं, जैसे कि माउंटेन्स को, मतलब उनके रास्ते में कोई भी रुकावट आती है जिससे वो भिड़ जाती हैं, तो वहां पे वो अपना मॉइस्चर रिलीज कर देती हैं और वहां बारिश हो जाती है। तो व्हेनेवर दीज विंड्स एनकाउंटर एनी फॉर्म ऑफ बैरियर जैसे कि माउंटेन्स, तो वहां पे रेनफॉल अकर कर जाती है बिकॉज दीज विंड्स रिलीज देयर मॉइस्चर। जो फोर्थ सीजन था वो था ऑटम सीजन। इसमें ठीक उल्टा होता है रेनी सीजन का। रेनी सीजन में क्या हो रहा था, सी से विंड्स आ रही थी लैंड की तरफ। ऑटम सीजन में लैंड से विंड्स जाती हैं सी की तरफ। Winds move back from the mainland towards the Bay of Bengal. और इसीलिए इस सीजन को कहा जाता है सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग का मतलब क्या होता है, वापस जाना, रिटर्निंग, ठीक है। तो इसीलिए ऑटम सीजन को हम कहते हैं सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। और जब ये विंड्स वापस जा रही होती हैं लैंड से, हल्का सा घूम के बे ऑफ बंगाल से होते हुए, तो जो सदर्न पार्ट्स हैं इंडिया के, स्पेशली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वहां पे इस सीजन में बारिश होती है। तो जब ये विंड्स इंडिया की तरफ आ रही होती हैं सी से, तब मैक्सिमम रीजन्स में बारिश होती है। लेकिन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कब बारिश होती है, जब ये विंड्स वापस जा रही होती है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने दूसरे ब्लॉक पे, विच इज क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है,
the average weather condition which has been measured over many years. तो confuse होने की जरूरत नहीं है, एकदम simple chart के through हम आपको समझा देते हैं. Weather सबसे basic होता है, जो daily changes in the atmosphere होता है, उसको हम कहते हैं weather. उसके बाद आता है seasons. अगर same weather conditions continuous हो जाएं कुछ दिनों तक, तो उसको हम कहेंगे season. और लास्ट में आता है क्लाइमेट, एवरेज वेदर कंडीशंस मेजर्ड ओवर मेनी इयर्स. जो वेदर की कंडीशंस होती हैं, जो डेली चेंज वाली कंडीशन हो रही थी, जब आप उसको कई सालों तक ऑब्जर्व कर लो, तो आप किसी रीजन का क्लाइमेट बता सकते हो. तो तीनों चीजों में, तीनों टर्म्स में सिर्फ किस चीज का फर्क हो रहा है? टाइम का. वेदर इज डेली चेंजेस, सीजन इज चेंजेस ओवर सम डेज, और क्लाइमेट में चेंजेस ओवर मेनी इयर्स. तो अब इंडिया का क्लाइमेट कैसा है भाई? The climate of India has broadly been described as monsoon type. India के climate को हम कहते हैं monsoon type climate. Monsoon word जो है ये एक Arabic word से आता है, मौसम, जिसका मतलब होता है seasons. जैसा कि हमको मालूम ही है, इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में लोकेटेड है. ट्रॉपिकल रीजन में गर्मी काफी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, बारिश भी ज्यादा होती है, और यहाँ पे मैक्सिमम जो रेन्स है इंडिया में, वो मॉनसून विंड्स लेके आती है. बारिश इंडिया के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन रेन्स. इंडिया का जो पूरा एग्रीकल्चर है वो रेन डिपेंडेंट है, वो बारिश पे डिपेंड करता है. अगर मॉनसून अच्छा होता है, इसका मतलब बारिश अच्छे से हो रही है, एडिक्वेट अमाउंट में हो रही है, और इसका मतलब होता है कि जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे उगेंगे, अच्छी फसल कटेगी. अब यहीं पे आपकी बुक में एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है, हम उसको कर लेते हैं. What would happen if monsoons were weak or even worse failed to occur one year? क्या होगा अगर किसी साल बारिश कम होती है या होती ही नहीं है? तो टिक द करेक्ट आंसर. क्या क्रॉप्स पे अफेक्ट होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि क्रॉप्स फेल कर जाएंगे, क्रॉप्स खराब हो जाएंगे. सेकेंड, द लेवल ऑफ द वॉटर इन अ वेल विल कम अप और गो डाउन. वेल का जो पानी है, क्या वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा? भाई ऑब्वियसली घट जाएगा ना, जब बारिश ही नहीं हुई तो वेल में पानी कहाँ से आएगा? बारिश होती है तो वेल का पानी और ज्यादा बढ़ जाता है. समर विल बी लॉन्गर और शॉर्टर? समर विल ऑब्वियसली बी लॉन्गर, क्योंकि अगर आपको याद होगा हमने क्या डिस्कस किया था, समर सीजन होता है मार्च से मई और मॉनसून सीजन होता है जून टू सितंबर. लेकिन अगर मॉनसून होगा ही नहीं तो समर सीजन कहाँ तक एक्सटेंड कर जाएगा? सितंबर तक. तो समर सीजन विल बी लॉन्गर. और जैसा कि हमको मालूम है, इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है, मतलब यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है. तो एज ह्यूमंस हम हर चीज को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं. तो हमारी कंट्री की गर्मी को काउंटर करने के लिए लोगों ने ढूंढ लिया शरबत. पूरी कंट्री के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग चीजों का शरबत पीते हैं, स्पेशली उन फ्रूट्स का जो उस रीजन में पाए जाते हैं. ये प्यास भी मिटाते हैं और हमारी बॉडी को गर्मी से और लू से प्रोटेक्ट भी करते हैं. एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि रेन्स को, मॉनसून को हिंदी में कहा जाता है वर्षा, उर्दू में कहा जाता है बारिश, मराठी में कहा जाता है पाउस, और बंगाली में कहा जाता है वर्षा. अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को, किसी भी रीजन के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है, दैट इज अफेक्टेड बाय लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ. ये चार फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. कोई भी जगह कहाँ पे लोकेटेड है, किस जगह पे है, उसका ऑल्टीट्यूड क्या है, मतलब वो किस हाइट पे है, सी लेवल से कितना ऊपर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से कितना दूर है या सी के कितना पास है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है, और रिलीफ कि वहां का जो लैंड का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फ्लैट है, ऊबड़ खाबड़ है, अनइवन है, कैसा है. इसीलिए क्लाइमेट ऑफ इंडिया तो मॉनसून टाइप है, लेकिन इंडिया के अलग अलग रीजन में भी बहुत सारे डिफरेंसेज हैं क्लाइमेट. जैसे वेस्ट साइड में जहाँ पे डेजर्ट है, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो डेजर्ट है. इसी तरह से अगर कोई रीजन है जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी लोकेशन ऐसी है कि वहां पे बारिश ज्यादा होती है. सो इंडिया का, पूरे इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मॉनसून टाइप है, लेकिन फिर भी वी एक्सपीरियंस मेनी रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट. इन सब का इफेक्ट ये होता है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग क्लाइमेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान जो एक डेजर्ट है, तो वहां बहुत गर्मी होती है, जैसलमेर में, बीकानेर में. द्रास और कारगिल, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है. आपके बुक में दिया हुआ है कि द्रास और कारगिल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अब दो यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं. तो टारगेट ट्रेजर के अंडर में हम आपको बता देते हैं कि द्रास और कारगिल जो है अब वो लद्दाख का हिस्सा है. नाउ दे डू नॉट कम अंडर जम्मू एंड कश्मीर, दे कम अंडर लद्दाख. और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ठंड होती है. मौसिनराम जो मेघालय में है, वहाँ वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है. ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. मौसिनराम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल. और जबकि कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जैसे कि जैसलमेर, जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है या बहुत कम होती है. जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वहां की जगह होती है, जैसे कि मुंबई या कोलकाता, जो सी के पास सिचुएटेड है,
उनका क्लाइमेट मॉडरेट होता है, मतलब वहां ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड पड़ती है। क्योंकि ये जगह कोस्ट पे सिचुएटेड है तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब यहाँ की हवा में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पसीना बहुत आता है। सो आप देख सकते हो कि ये फैक्टर्स जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, इसकी वजह से काफी सारी चीजें चेंज हो जाती है। इनका एक मेजर इम्पैक्ट होता है रीजनल डिफरेंस क्रिएट करने में इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसी के साथ हमने पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल वेजिटेशन से और इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। हमें बताइए कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।